हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग UP SSC द्वारा वीडियो के रिजल्ट की डेट में बदलाव किया गया है। जी हां, आयोग द्वारा वीडियो के रिजल्ट में कुछ बदलाव किया गया है। UP SSC में वीडियो के रिजल्ट की घोषणा आयोग ने जारी की नोटिस और रिजल्ट की डेट बताया। जी हां, आयोग द्वारा नोटिस जारी करके डेट में बदलाव किया गया है। हम आपको दिखाएंगे, सुनिए आयोग के सचिव ने क्या कहा और वीडियो के रिजल्ट के बारे में कि कब तक वीडियो का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अभी तक वीडियो का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया, इस बात पे हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। UP SSC में वीडियो के रिजल्ट का, जी हाँ, डेट में बदलाव कर दिया गया। अब वीडियो का रिजल्ट जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त में आएगा। जैसा कि पहले आयोग के नोटिस में बताया गया था कि वीडियो का रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आ जाएगा, यानी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में, लेकिन वीडियो का रिजल्ट उसके बाद तारीखें बदली गई। तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह भी बीत गया, लेकिन वीडियो का रिजल्ट का कहीं अता पता नहीं है। आयोग ने जारी किया नोटिस, क्या नोटिस जारी किया है और रिजल्ट की डेट कब बताई है आयोग ने, सुनिए आयोग के सचिव ने क्या कहा है। चलिए हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आशुतोष अग्निहोत्री का यहाँ पे मैसेज है, जहाँ पे उन्होंने बताया है क्या कहा है उन्होंने वीडियो के रिजल्ट के बारे में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। दे आर टेंटेटिव डेट्स, वहाँ पे टेंटेटिव डेट्स जो बताई गई थी आपको, टेंटेटिव डेट बताई गई थी, वो निश्चित डेट नहीं बताई गई थी। दे में भी चेंज, वो बदल सकती है। साफ साफ ये उनका कहना है कि जो डेट बताई गई थी वो टेंटेटिव डेट बताई गई थी, वो उसमें बदलाव किया जा सकता है। देयर आर 14 लाख कैंडिडेट, यहाँ पे 14 लाख कैंडिडेट थे, परीक्षा में शामिल थे। साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तीन चीज़ें कि उन्होंने कहा है कि जो डेट उन्होंने बताई थी टेंटेटिव है, यानी कि जो भी बदली हुई डेट बताई थी उन्होंने टेंटेटिव बताई, एकदम फिक्स डेट नहीं बताई थी, उस पर बदलाव किया जा सकता है। तो जो डेट्स हम बता रहे थे वीडियो के रिजल्ट के बारे में, वो आयोग के थ्रू बता रहे थे, वो टेंटेटिव डेट्स थी। आयोग खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो डेट्स टेंटेटिव थी, वो उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो आप हमारे ऊपर बार बार दोष देते हैं कि हम डेट्स बताते हैं वो सही नहीं होती है। तो देखिए, जब आयोग ही अपनी बात सही नहीं हो पाता है तो हम कहाँ से आपको सही जानकारी, जिसको रिजल्ट देना है वो ही अपनी बात से मुकर जा रहा है, तो हम आपको कहाँ तक कह दें कि हमारी डेट्स एकदम फिक्स होगी, जिस दिन हम बोलेंगे वो लकीर होगी, पत्थर की लकीर होगी और उस दिन रिजल्ट आ जाएगा। जब आयोग की बात है, पत्थर की लकीर नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। अब आगे देखते हैं। सो इट वॉज वेरी टफ टू डिक्लेयर इन दिस मंथ ऑफ जुलाई, देखिए साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पे बहुत कठिन है कि जुलाई के मंथ में रिजल्ट आ जाए। साफ साफ इनका कहना है कि बहुत कठिन है, इसका साफ साफ मतलब ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहते हैं कि जुलाई में रिजल्ट नहीं आएगा, ये घुमा फिरा के कहना चाह रहे हैं कि जुलाई में रिजल्ट नहीं आएगा। इनका कहना है कि टफ है, यानी कि कठिन है जुलाई में रिजल्ट देना। इवन आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ आवर टीम, हमारी टीम के कठिन परिश्रम के बाद, आई रिक्वेस्ट यू टू हैव पेशेंस, मैं आपसे निवेदन करता हूँ पेशेंस रखने के लिए। इन्होंने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ पेशेंस रखने के लिए, एंड यू शुड रिक्वेस्ट द अदर कैंडिडेट, और आपको भी अदर कैंडिडेट से क्या करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। देखिए, हम लोग के बारे में बोला गया है कि आप लोग को कैंडिडेट से निवेदन करना चाहिए, जो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूबर, उनसे इन्होंने कहा है कि एंड यू शुड रिक्वेस्ट अदर कैंडिडेट, हम लोग से कहा गया है कि आप अदर कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करिए टू हैव पेशेंस, धैर्य रखने के लिए पेशेंस करिए। तो आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट अगस्त माह में अब जारी किया जाएगा, उसकी डेट क्या है आयोग द्वारा जल्दी ही बताई जाएगी। अभी फाइनली आपका रिजल्ट अभी फ़िलहाल जुलाई मंथ में नहीं आएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। तो ये रही अपडेट, आपने देख लिया कि क्या अपडेट्स रही है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।